वॉल वॉल है। एक और चीज बताता हूँ जो मतलब इंतहा है, 999 लेवल है। ये देखिए स्पाइडरमैन के हाथ से जो वेब निकल रहा है, ये पूरा जाला स्पाइडरमैन के हाथ पे बनाया हुआ है। मतलब क्रिएटिव लेवल टॉप। तो गाइस अब जो आप वीआर थीम पार्क देखने वाले हैं वो पूरे राजस्थान का फर्स्ट वीआर थीम पार्क है जो हम देखने जा रहे हैं और आप भी देखने जा रहे हो। सो स्टे ट्यून एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन यार। सो गाइस हम जा रहे हैं, अब हम एंटर हो चुके हैं गेम जोन में और अभी दिव्यांशु भैया आएंगे, वो हमें इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ कौन कौन से गेम हैं और कैसे खेल सकते हैं हम यहाँ पे। सो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। 8 एंड बिलो बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन हो जाएगा, ये स्लाइड हो जाएगी, यहाँ बॉलिंग है और ये प्रोजेक्टर ऑन होता है, वहाँ पे स्क्रीन पे बॉल थ्रो करने पे गेम चलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है बच्चों के लिए, ये बॉल्स उठाओ एंड ये गेम चेंज। तो बच्चों के लिए बहुत फन है और बहुत मजा आएगा यहाँ बच्चे आएंगे तो। और ये ट्रैम्पोलिन और एक स्लाइड है और छोटा सा मतलब क्यूट सेक्शन है ये। अब हम हमारे सेक्शन जाएंगे जहाँ हम मज़े करेंगे। ये हमारा वीआर गेम हो जाएगा, ये जेट्स की है, स्पेस सी पे। इसमें आपको दो मोड मिलेंगे जो आप वीआर में एकदम आपको रियल फील होगा और आप गेम खेल सकते हो। वो हमारा कार रेसिंग हो जाएगा, उसमें कार ड्राइव करनी होती है आपको, 72+ ट्रैक मिलेंगे आपको, डिफरेंट टाइप कार मिलेगी जैसे आप चूज़ करोगे। और उसमें हमारा हो जाएगा क्रिकेट है, शूटिंग है, स्पेस शूटिंग है, स्कीइंग है और भी 100+ अलग अलग टाइप के गेम्स हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, ये जो ट्रॉन की बाइक है बहुत स्मेक्सी है, इन्हें भी भैया खेल के बताने वाले हैं। ये तो ये जेट्स की है बाइक एंड ये जेट्स की का गेम आप देखो, और एक्चुअली में ये हिल रही है तो आपको पूरा फील आएगा कि आप एक जेट स्की पे बैठे हो और बहुत अच्छा जो है इसका नज़ारा होने वाला है और बहुत रियलिस्टिक होगा। मैं नहीं खेल रहा हूँ। ओके, आप अगर स्लाइड पे जंप करोगे तो आपके मुंह पे पानी भी आएगा इसके अंदर। सो बहुत रियलिस्टिक गेम्स है यार यहाँ पे, ये वाली स्लाइड और ये मुंह पे पानी आएगा, शायद ये पानी आपके मुंह पे आएगा। सो भैया ये इंजॉय कर रहे हैं गेम। सो गाइस दिस इज़ द फर्स्ट वीआर थीम पार्क इन राजस्थान जो आप अभी देख रहे हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला गेम राजस्थान में, जोधपुर में इस लेवल के गेम मैंने तो आज तक नहीं देखे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मतलब इतनी तगड़े गेम्स जो जोधपुर में आपको मिलेंगे फ्यूजन लॉन्च के अंदर, तो ज़रूर एक बार विजिट करें ये। और आप विजिट करेंगे तो आप वर्थ ही विजिट करेंगे, बिलीव मी। अब मैं जा रहा हूँ थर्ड फ्लोर पे और देखते हैं, सेकंड फ्लोर पे। पहले ग्राउंड फ्लोर पे इनका रेस्टोरेंट है और फर्स्ट के ऊपर वीआर गेम्स है एंड नाउ आर्केड गेम्स।
या सर वो हमारा लास्ट सबसे मोस्ट डिमांडेड गेम रहेगा सर। हमारे सेकंड फ्लोर पे ये भी वीआर रहेगा, इसमें आपको अलग अलग मोड मिलेंगे, एलियन है, डायनासोर है, जॉम्बीज हैं, तो आपको गन मिलेगी, आप स्क्वाड के साथ, डुओ के साथ। जी इसमें आपको एक गन मिल जाएगी, आप स्क्वाड के साथ, डुओ के साथ ऐसे खेल सकते हो। तो आप जैसे अलग अलग मोड मिलते हैं, एलियन है, डायनासोर है, जॉम्बीज है, जो आप चूज़ करो, तो उनको गन से उनको शूट करना होता है जी। ये आपको गन मिल जाएगी जी। तो गाइस ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन है गेम्स का, और आपने कभी नहीं देखा होगा जोधपुर में ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है जो स्क्वाड के साथ खेल सकते हैं। चार गन्स हैं एंड ये आपकी स्क्रीन है। सो अभी हम खेल के बताएंगे आपको कैसा लगता है ये गेम। ग्लासेस ले लिए हैं एंड मैडम भी ले रही हैं, एक ये भैया लेंगे, एक शायद मैं लूँगा। हाँ भैया देखो, आपको इस गन को इस ट्रिगर से शूट करना है। जी जी, आप वन टाइम शेक करोगे गन को, गन रिलोड हो जाएगी आपकी। ओके, रिलोड के लिए वन टाइम शेक करना है। ओके बहुत तगड़े ग्राफिक है, एकदम ऐसा लग रहा है मैं रियल गेम में हूँ। ओ भाई ये मूवमेंट कैसे होगा आगे? अच्छा शूट करना है मुझे, एक ही जगह खड़े होके? भाई डर लग रहा है, बहुत रियल ग्राफिक है, इतने रियलिस्टिक ग्राफिक है कि मुझे लग रहा है कि मैं रियल में एक होल के अंदर खड़ा हूँ एंड सामने। यार अगर आप तो देख पाते तो बहुत तगड़ा लगता, क्योंकि बहुत रियलिस्टिक है और ज़ॉम्बी यहाँ आ रहे हैं मेरे मुंह पे, बहुत तगड़ा। ओके भैया डन। सो गाइस रफीक भैया अभी हमें नेक्स्ट गेम के बारे में बताएंगे जो है रेसिंग। तो ये हमारे सारे आर्केड गेम हो जाएंगे, 8 साल के ऊपर के बच्चे खेल सकते हैं और बड़े भी खेल सकते हैं। ये कार रेसिंग हो जाएगा और ये टू प्लेयर शूटिंग हो जाएगा, इसमें जॉम्बीज एलियन टाइप के जॉम्बीज आएंगे तो उनको आप शूट करना है गन से। ये आपका शूटिंग होगा, दो जने टू प्लेयर साथ में खेल सकते हो, इसमें भी मतलब जॉम्बीज आएंगे तो आपको उनको शूट करना है। और उधर हमारा ये बैटमैन कार रेसिंग हो जाएगा, प्लस शूटिंग भी होगा, कार के साथ आपको शूटिंग भी मिल रहा है इसमें। और लास्ट ये वीआर गेम हो जाएगा, इसमें आपको डांसिंग है, शूटिंग है और भी 50 प्लस गेम मिल जाएंगे आपको, ये आप टू प्लेयर साथ में खेल सकते हो। मैं वीआर गेम्स का एक और नेक्स्ट पार्ट खेलने वाला हूँ, ये इसका नाम क्या, कुछ नाम वगैरह? बीट सेबर नाम है इस गेम का, और अब हम खेल के देखेंगे कैसा है ये। सो इस सेक्शन के अंदर 50 प्लस गेम है एंड डांसिंग के लिए ये दो स्टैंड है और सबसे बेस्ट ही बोल रहे हैं डांसिंग के लिए, तो देखते हैं कैसा है ये सब। ये स्टार्ट हो रहा है गेम और अब हम देखने वाले हैं इसमें क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। अच्छा, मुझे यहाँ खड़ा होना है? ओके अच्छा अच्छा ओके ओके हाँ जनरल सिंगल मोड और बॉस एक मुझे ब्लू दिख रही है, आपको डांस करते हुए काटने है, मैं ऐसे काट लूँगा। बहुत मैं लग कैसा रहा मुझे नहीं पता, बट इसमें खेलने में बहुत मजा आ रहा। बहुत ही मेरे में बहुत गेम खेल चुकी। ओ भाई बहुत अच्छा गेम है यार ये, जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। ओके भैया डन। तो यार ये वाला जो गेम है ये आपके पैसे वसूल करने वाला है, जितने भी आपके लगने वाले हैं, बहुत वर्थी गेम है और बहुत मज़ा आया मुझे, और आप डांस भी कर सकते हैं, मैं तो एम ही कर रहा था कुछ। तो चलते हैं अब हमारे दूसरे गेम्स की तरफ, ये बैटमैन है इसमें भैया, आपको बैट मोबाइल मिलेगी।
चलाने के लिए। एक में शूटिंग और कार रेसिंग बैट मोबाइल के साथ में आपको मिलेगी। सो अनफॉर्चुनेटली हम ये वाला नहीं खेल पा रहे हैं, तो हम ये वाला खेलेंगे। ये कौन सा है? डेड स्टॉर्म पायरेट्स। ये शूटिंग गेम है, एक बार खेल के बता दो जल्दी से। ओके, तो स्टेरिंग भी मिलता है आपको पायरेट्स की तरह। ओ, मेरा साइन आ चुका है, अब मुझे कहाँ मानना है? अच्छा, मानना किसको ये बताओ, मानने में बहुत तेज हूँ। ओ भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है यार, यहाँ के गेम्स बहुत ज़्यादा और एडिक्टेड भी बहुत ज़्यादा गेम है यहाँ के, एडिक्टेड लगने वाला है। अगर आप यहाँ आ गए एक बार तो आप यहाँ बार बार आओगे, कि बहुत एडिक्टेड गेम है ही। नाइस कॉम्बिनेशन यार, हम प्लेयर बहुत अच्छे हैं आपको पता ही है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट गेम। अब शूटिंग गेम ही है, मतलब एक दो शूटिंग गेम है और दो रेसिंग कार है, एक ये और एक आपको बैट मोबाइल जो हमने बताया था, कार प्लस शूटिंग। शूटिंग का बहुत गेम है यहाँ, मतलब वो स्क्वाड में भी शूट है, ये भी शूट है, वो भी शूट है, एंड कार रेसिंग। अब सो अब हम बैठ गए हमारी कार सीट पे, अब हम खेलने वाले हैं गेम। ओहो, अब ठीक है। बहुत गंदा फोटो था। लैम्बोर्गिनी मेरे पास है। ओके, सिर्फ ये एक्सीलेटर है इसमें, ब्रेक नहीं। ये एक्सीलेटर है, आप ये नीचे दिखाओ, ये एक्सीलेटर है एंड ये आपको स्टेयरिंग मिलेगा एंड ये नाइट्रोज है, नाइट्रो बूस्ट है। ओ भाई, मैं चला कम रहा हूँ, उड़ा जाता रहा हूँ गाड़ी। बहुत रियलिस्टिक है यार, जितना आप स्टेयरिंग मूव कर रहे हो उतना ही हो रहा है, तो मतलब बहुत अच्छी क्वालिटीज है यहाँ की जितने भी गेम्स हैं, और बहुत रियलिस्टिक है। ये फाइनल मैंने नाइट्रोज दे दिया है और आप भी समझ गए होंगे कि गेम कितना प्यारा है। आए, ये कार की रेसिंग कम है, उड़ जाता रही है। ओए, बहुत प्यारा गेम है और बहुत एडिक्शन है यार इस गेम का। आप एक बार यहाँ आ जाओगे, आप यहाँ बार बार आओगे, क्योंकि आपको एडिक्शन होने वाला है यहाँ के गेमों का, बहुत तगड़ा। ओके भैया, डन। मुझे नहीं पता, मैं सेकंड आया हूँ। देखा, नॉट बैड यार, नॉट बैड, सेकंड प्लेस आया हूँ मैं। फर्स्ट टाइम है, मैंने मतलब काफ़ी टाइम बाद वीआर गेम्स एंड ये आर्किड गेम्स खेले हैं। एक और रूम है जिसके अंदर है PS5। यस, अब हम जा रहे हैं PS5 देखने। वैसे आप लोगों को नीचे से आना पड़ता है घूम के, बट हम जो है डायरेक्ट आ गए इस रूम में एंड यहाँ काफ़ी सारे LCDs हैं, 1, 2, 3, तो मतलब एक वक्त में काफ़ी बंदे खेल सकते हैं एक साथ। सो PS4 हैं यहाँ पे, 1, 2 एंड 3 एट अ टाइम। आप तीन बंदे या टीम जो है आपकी टीम के साथ में आ सकते हैं, तीन टीम आराम से खेल सकती है एंड ये खेल रहे हैं बच्चे। सो चलते हैं हम नीचे रेस्टोरेंट में और कुछ ऑर्डर खाना करते हैं और खाते हैं और बताते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। और गेम सेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब फुल ब्लास्ट है। सो रेट्स के बारे में बता दीजिए भैया थोड़ा सा। सर अभी हमारा ऑफर चल रहा है 700 का, तो उसमें आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा, 1 hour पर हेड का रहेगा 700, तो आप अनलिमिटेड 1 hour कितना भी सारे गेम खेल सकते हो। उसके अलावा सर कार्ड का रहेगा, तो आप कार्ड परचेज करते हो तो 2000 का कार्ड बनेगा, उसमें आपको 2000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और उससे भी बेटर रहेगा, आप 3000 का कार्ड बनाते हो तो उसमें 3500 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, उसमें 500 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो जैसे कि वीआर गेम 150 का रहेगा, तो
तो आप कार्ड बनाते हो तो 150 पॉइंट्स आपके एक गेम का लेस हो जाएगा, और आर्केड रहेगा 50 पॉइंट्स का, तो आर्केड आप एक गेम खेल रहे हो तो आपका 50 पॉइंट्स कार्ड से लेस हो जाएंगे। जी, और इसके अलावा कुछ सर? हमारा अनलिमिटेड और ये कार्ड का ही रहेगा सर। बेटर क्या रहेगा, अनलिमिटेड या कार्ड? सर बेटर अनलिमिटेड ही है सर, अनलिमिटेड खेलो आप, वन हार में सारे गेम ट्राई करो। और वो 700 का? जी, वो एक बार के लिए? हाँ, अनलिमिटेड आप पर हेड रहेगा, वो एक बार रहेगा, वन हार आप खेल के जाओ। ओके भैया, थैंक यू। ओके, वी आर गेम्स और आर्केड गेम्स तो यार बहुत मस्त है। अब हम आए हैं रेस्टोरेंट में, अब यहाँ कुछ ऑर्डर करेंगे, और यहाँ का फूड कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरी डिटेल मिल गई होगी आपको रेट्स के बारे में। 700 पर पर्सन है जो अनलिमिटेड है घंटे के लिए, एंड देन आपको कार्ड चाहिए तो कार्ड की भी रेट मैंने आपको बता दी है। सो आप खाना लेते हैं, कैसा खाना है लेट्स। तो गेम खेल के बहुत मजे कर लिए, अब कुछ खाने का वक्त आया है। अभी मैंने ऑर्डर किया एक फ्रीकी शेक, एक मोमोस पिज्जेरिया, और एक इनका जो सिग्नेचर सैंडविच है बहुत अच्छा प्रेजेंट होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो अब हम 15 मिनट, टेल भी आ रही है, वो मुझे शायद उन्होंने सजेस्ट किया था। सब मैं वेट कर रहा हूँ उनका, और अभी आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। और मुझे बहुत मज़ा आया, गेम्स तो मतलब अनबिलीवेबल। क्या जोधपुर में पहली बार ऐसे गेम्स देखे? राजस्थान के अंदर फर्स्ट गेम थीम है ये वीआर की, जो सिर्फ और सिर्फ जोधपुर में है। सो आई एम लविंग इट। यही नहीं, फूड एंड वीआर गेम्स और इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ बहुत कुछ बाकी है अभी भी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है अडल्ट पार्टी पैकेज, ये 300 रुपये पर हेड है, एंड एक्स्ट्रा मेंबर अलग चार्ज है। वेलकम ड्रिंक है इसमें, वन टाइम के लिए सर्विंग है, वेलकम ड्रिंक एंड स्टार्टर है, नो पनीर प्रिपरेशन। और मेन जो मील है वो आपकी चॉइस का होगा, एंड लास्ट के अंदर आपको आइसक्रीम भी मिलेगी। एंड देन सेकंड किटी पार्टीज एंड किड्स पर डे के लिए है, 249 जो है इनका पर हेड है, एंड देन 300 पर हेड के लिए आपको मूवी नाइट भी है यहाँ पे 3 घंटे के लिए, और उसके लिए मिनिमम 20 बंदे होने ज़रूरी है। अब मैं देखने जा रहा हूँ पार्टी हॉल कैसा है यहाँ का। ओके, सो ये है यहाँ का पार्टी हॉल, बहुत खूबसूरत दिख रहा है यहाँ का पार्टी हॉल, बहुत स्मैक्सी है और बहुत खूबसूरत है। एट द नेक्स्ट रूम इज मिनी थिएटर, जो आप सामने देख रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है डिस्को में, ये डेक बन जाता है, और जो आपको साइड में लाइटिंग्स एंड ऊपर लाइट्स दिख रही हैं ये डिस्को में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ का साउंड बहुत ज़्यादा लाउड है। ये आपका सोफ़ा जो है वो आगे लग जाएगा, एंड जो पीछे जो कुर्सी वगैरह है वो पीछे लग जाएगी। तो 300 पर मेंबर है, और आपको अच्छी सी नई सी मूवी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड देन ये आपका पार्टी हॉल है, ये डिस्को डेक वगैरह बना रखा है, यहाँ आप डांस वगैरह कर सकते हैं, एंड कुछ सॉन्ग्स वगैरह चलेंगे। देन आपको जो फूड है वो आपको यहाँ सर्व होगा इस हॉल के अंदर, जो मतलब बहुत डिसेंट है, और यहाँ का लाइटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लाइटिंग्स है। सो ये आपका फूड यहाँ सर्व होगा आपको सबको ही। सुमन तो नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, बट यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमारा फूड ऊपर इंतज़ार कर रहा है हमारा, मुझे बहुत ज़्यादा। गाइस, जब तक हम देख रहे थे पार्टी हॉल, तब तक हमारा ये आ चुका था मॉकटेल, जो कि ब्लू लॉगन है, और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है इसकी, और बहुत फ्रेश दिख रहा है, और पीते एकदम फ्रेश हो जाऊँगा मैं। हाँ माशाल्लाह, बहुत कम मुझे फ्यूजन पसंद आते हैं, जिसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट फ्यूज़न है मॉकटेल का, और प्रॉपर सारे फ्रेग्रेंस जो हैं इसके बाहर निकल के आ रहे हैं। सो जस्ट लव्ड इट। हमारा बाकी का ऑर्डर आ चुका है, जिसमें है फ्यूजन सैंडविच। वाह यार, अमेजिंग, मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि सैंडविच की ऐसी प्रेजेंटेशन होगी, मतलब इतना खूबसूरत और इतना डिलीशियस। और इसमें लोड देखो यार, कितना लोड किया है इन्होंने, फुल लोडेड है ये, अमेजिंग है। मेरे चेहरे पे जो खुशी है वो इस चीज़ की है कि मैंने इतना प्यारा सैंडविच कभी नहीं देखा है, इतना लोडेड सैंडविच है ये, और फ्यूजन लॉन्च में हर चीज़ आप फुल लोडेड मिलेगी। एज यू कैन सी, ये सैंडविच है, मुझे ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा ये सैंडविच है।
सो अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ इसको। 160 के अंदर आपको ये चीज़ मिल रही है, 160 के अंदर इतना बड़ा सैंडविच ट्रे, देखते हैं कैसा है। जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही लोडेड मुंह में जाके भी है या नहीं है। ओह यार चीज़ देखा भाई। सो स्टार्ट करते हैं इसको। फुली लोडेड चीज़ मैंने पहली बार खाया है, ऊपर नीचे सब जगह से निकल रहा है। देन अंदर काफ़ी ग्रेविंग है जिसको इन्होंने फीड किया है, अमेजिंग। मतलब बीच की जो इसकी सब्जियां वेजीज वगैरह जो है बहुत प्यारी हैं यार। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत अमेजिंग सैंडविच है यार ये। और ये देखो आप, इतना लोडेड सैंडविच आपने कभी देखा है 160 के अंदर इतना प्लेट भरा हुआ? बट रियली वर्थ थी है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ, यहाँ ज़रूर आए, एक बार तो आए कैसे भी आए। सो यहाँ का जो सिग्नेचर सैंडविच है वो आपको ट्राई करना ही है। आप यहाँ जब भी आए 160 का सिग्नेचर सैंडविच मस्ट है यहाँ का। और ज़िंदगी सफल हो गई है मतलब यहाँ आने के बाद में मेरी। यह है चोको ओवरलोडेड फ्रीकी शेक, इसको कहते हैं स्टीम ओवरलोडेड। तो ये हाँ इन्होंने बनाया है। तो गाइस दिस इज अमेजिंग। हाँ से स्टार्ट करो इसको, देखते हैं शेक कैसा है। पर मतलब स्ट्रो भी अंदर नहीं जा रही, इतना ओवरलोड इन्होंने भर रखा है इस चीज़ को, वो बाहर गिर रहा है। गाइस 220 का चोको ओवरलोडेड फ्रीकी शेक हमारे सामने है। एंड अब मैं इसको पहले इसकी थोड़ी सी आइसक्रीम कम करते हैं। सो बात ये है कि बुर्ज खलीफा जो है इसके अंदर भर भर के डेरी मिल्क और चॉकलेट ब्राउनी एंड बहुत सारी आइसक्रीम डाली हुई है। तो अमेजिंगली एक्सट्रीम है ये। मतलब ये जो फ्रीकी शेक है इसमें हेड टू टो आपको ब्राउनी पूरा मिलेगा एंड आइसक्रीम शेक और पेस्ट्रीज डिलीशियस। देन नीचे तो गाइस आए पिज्जेरिया मोमोस। अभी तक ये फ्रीकी शेक का मैं एंजॉय कर रहा था, जितना आ गया है पिज्जेरिया मोमोस। ओहो हैवी तरीन सीन है यहाँ का मोमोस का भी, आपने पहली बार देखा होगा कहीं भी। इनकी प्रेजेंटेशन देखिए, ये जो बॉल है इसकी क्रोकरी ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे मकराना हो। बहुत सो अब मैं इससे इसमें शिफ्ट होने वाला हूँ कि मीठा थोड़ा बाद में खाएंगे, तो ये पहले ये टेस्ट कर लेते हैं हम। गाइस ये एक्सट्रीम मोमो पिज्जेरिया चीजी। सो इसको मैं उठाने वाला हूँ, ये बहुत चीजी है और ये शायद तंदूर हुआ हुआ है। सो हम खा के देखते हैं। बहुत गर्म है, मेरी जबान बहुत ज़्यादा जलती है। नॉन वेज खाता हूँ बट ये एग्जैक्ट नॉन वेज की तरह लग रहा है वेज मोमोज, क्योंकि मसाला वगैरह बहुत प्यारा फ्लेवर है, बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। और अब हम ट्राई करते हैं मेयोनीज के साथ में। फ्यूजन लॉन्च में आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाता है फूड, सबसे टेस्टी होने के साथ साथ मतलब आपको दिखने में बहुत खूबसूरती मिलती है। सो गाइस अब हम यहाँ के ऑनर से मिलने वाले हैं, विक्की जी यहाँ के ऑनर है। यहाँ बहुत प्यारा माहौल बना रखा है इन्होंने एंड यहाँ का जो स्टाफ है यार 5-star रेटिंग देना चाहूँगा सर्विस एंड स्टाफ की। एंड यहाँ के आने वाले विजिटर्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर हमने पूरी पार्टी प्लेस बना रखी है, आप आके विजिट कीजिए, आपको गेम्स प्लस पार्टी प्लस फूड यम्मी फूड भी मिलेगा, सब कुछ है सर एक प्लेस के अंदर। दैट्स आर अमेजिंग और बहुत सपोर्टिव है पूरा स्टाफ। सो मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ शूट करके एंड ज़रूर यहाँ ज़रूर आना आप।
सो गाइस ये था नोटिंग्स का फ्यूजन लॉन्च जो कि अमेजिंग ब्लास्ट था और मतलब परफेक्ट जगह है। आप सुबह यहाँ आओ और रात को वापस जाओ। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना एंड लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब बटन पे बैठ जाओ यार, दबा दो उसको। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।